एक्स लिमिटेड इज प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट फॉर विच डिमांड इज 4000 यूनिट्स पर मंथ. जे टाइप ऑफ मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्ट विच इज परचेज्ड एट अ प्राइस ऑफ ₹20 पर यूनिट. और मटेरियल की कॉस्ट है ₹20 पर यूनिट. वन यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट. एक रॉ मटेरियल से एक फिनिश प्रोडक्ट रेडी हो रहा है. ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹120 पर परचेज ऑर्डर. पर ऑर्डर कॉस्ट हो गई 120. नाउ द कैरिंग कॉस्ट इज 10% पर एनम. वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दैट इज ईओक्यू एंड व्हाट विल बी द कॉस्ट मेंटेनिंग इन्वेंट्री. कॉस्ट मेंटेनिंग इन्वेंट्री हमें फाइंड आउट करनी है इफ ऑर्डर इज प्लेस्ड फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. अगर हमारा जो ऑर्डर साइज है वो किसके इक्वल है, ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के, तो हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग इन्वेंट्री. नेक्स्ट है इफ परचेज ऑर्डर कैन बी प्लेस्ड फॉर मिनिमम 4000 यूनिट्स व्हाट एक्स्ट्रा कॉस्ट कंपनी विल बेयर. और थर्ड सिचुएशन में बोला है कि मिनिमम ऑर्डर आपको क्या करना है, 4000 यूनिट्स का देना है, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट कंपनी को क्या इंकर्ड करनी होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसे हम शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं. ये देखिए यहाँ पे 4000 यूनिट पर मंथ है, तो अपने यूजेस क्या हो गए हैं, डैट इज 4000 यूनिट्स पर मंथ. और एनुअली कितने हो जाएंगे ये पर मंथ के हैं, तो एनुअली के लिए मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे. ऑर्डरिंग कॉस्ट है ₹120 पर ऑर्डर और कैरिंग कॉस्ट है 10% पर एनम. इसको हम कैरिंग कॉस्ट को किस पे निकालते हैं, पर यूनिट कॉस्ट पे निकालते हैं. तो कैरिंग कॉस्ट आपकी क्या आ जाएगी, डैट इज ₹20 का 10%. क्लियर. नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन. फर्स्ट है हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल, जिसमें यूजेस क्या आ जाएगा, 4000 मल्टीप्लाई बाय 12, 48000 यूनिट्स आपकी आ गई एनुअल. ये आपका एनुअल यूजेस है. फाइन. नाउ द कैरिंग कॉस्ट. कैरिंग कॉस्ट वन ईयर की क्या होगी, 20 मल्टीप्लाई बाय 10%, दैट इज ₹2 पर यूनिट. अब आपको ईओक्यू फाइंड आउट करना है. ईओक्यू का फॉर्मूला है अंडर रूट 2UO डिवाइडेड बाय C. फॉर्मूले में हमने सब आइटम्स को सब्सटीट्यूट कर दिया है. U के प्लेस पे आ गया 48000, O इज 120, C इज 2. इसको सॉल्व किया, वैल्यू आ रही है आपकी 2400 यूनिट्स. दिस इज योर ईओक्यू. क्लियर. सेकंड हमसे कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग इन्वेंट्री पूछी गई है, साथ में इंफॉर्मेशन गिवन है ऑर्डर साइज ईओक्यू के इक्विवेलेंट होगा. दैट मींस ईओक्यू इक्वल्स टू ऑर्डर साइज. तो ऐसे सिचुएशन में फॉर्मूला क्या होता है आपका, अंडर रूट 2UOC. अब आइटम्स को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, वैल्यू आ रही है आपकी 4800 रुपीस पर एनम. दैट इज योर कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग इन्वेंट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगर मिनिमम ऑर्डर साइज 4000 यूनिट्स है तो आप कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड करेंगे. 4000 यूनिट्स की कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए हम टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट को ऐड कर देंगे. टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट. और टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट. ये देखिए ये रहे आपके फॉर्मूले. अब इसमें भी हमने नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं, एनुअल यूजेस कितना था हमारा, 48000 यूनिट्स का था. वन टाइम में मंगवाना चाह रहे हैं आपके 4000 यूनिट्स. फाइन. 48 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 12. क्लियर. 12 मल्टीप्लाई बाय 120, दिस इज योर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट. और एवरेज इन्वेंट्री में क्या कर देंगे, ऑर्डर यूनिट्स डिवाइडेड बाय 2. ऑर्डर यूनिट से 4000 डिवाइडेड बाय 2 और 2 हमारी कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट हुई है. इसको सॉल्व किया, 4000 आ रहा है. इधर आ रहा है 1440 प्लस 4000, तो टोटल कॉस्ट हो गई आपकी 5440.
कॉस्ट फॉर ऑर्डर साइज ऑफ 4000 यूनिट्स दैट इज 5440। सेकंड वाले क्वेश्चन में हमने ईओक्यू की कॉस्ट कैलकुलेट की है कैसे, उसमें ये बोला गया है कि ईओक्यू के इक्विवेलेंट ही आपका ऑर्डर साइज है, तो ईओक्यू की भी वही रेट होगी, वही कॉस्ट होगी, तो वो हो गया 4800। दैट इज जो डिफरेंस अमाउंट है, एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड हो रही है 640 की।